फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8.13 सॉलिड का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 8.13 सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर गिवन दैट इट डेंसिटी एट द सरफेस इज 1.03 × 10³³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इज 45.8 × 10⁻¹⁷ पास्कल। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो प्रेशर है वो दे रखा है बच्चों 80 एटमॉस्फेयर, तो इसको सॉल्व करने के लिए 80 इंटू एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, पास्कल में आ जाएगा। फिर हमें दे रखी है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 45.8 × 10⁻¹⁰ पर पास्कल कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। फिर बच्चों हमें डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू है 1.03 × 10³³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस निकालता हूँ तो बल्क मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है डेल वी बाई वी इंटू प्रेशर, माइनस क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी डिक्री डेप्थ में जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, इसलिए माइनस का लेकर चलूँगा, पी अपॉन डेल वी इंटू वी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं डेल वी बाई वी कैलकुलेट करता हूँ तो डेल वी बाई वी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दूसरी तरफ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के पी बाई बी और माइनस के पी इंटू कंप्रेसिबिलिटी, हमारे पास के है तो कंप्रेसिबिलिटी मैंने के पुट कर दिया, 1/b को मैंने के पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो पी की वैल्यू है 80 इंटू 1.013 × 10⁵ एंड कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है 45.8 × 10⁻¹⁷। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो डेल वी बाई वी मेरे पास आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के, माइनस का चल रहा है, ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.665 × 10⁻³⁾ अप्रोक्सीमेटली इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन वन नेम दे दिया। अब हमें निकालनी है डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए ये देखो, ये जो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। जो फाइनल वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी के इक्वल होगा जिसको मैं रो डैश बोलूँगा, इनिशियल क्या हो जाएगा मास अपॉन रो और नीचे इनिशियल क्या हो जाएगा मास अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा रो अपॉन रो डैश माइनस के वन इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, माइनस का 3.665 × 10⁻³⁾। तो यहाँ से मुझे रो डैश की वैल्यू चाहिए तो अभी रो अपॉन रो डैश निकाल लेते हैं, वन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो वन, लेकिन ये माइनस का है इधर 3.665 × 10⁻³⁾, ठीक है। ये तीन जीरो इधर तीन जीरो बढ़ा देंगे तो इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल जाएगा 0.996, ठीक है। पॉइंट में तीन जीरो बढ़ा देंगे, 10⁻³ है, ये रो डैश है, तो रो अपॉन रो डैश मेरे पास ये आया। तो अगर मुझे यहाँ से रो डैश निकालना है बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, रो डैश इज इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाई 0.996। तो रो की वैल्यू हमें उधर गिवन है कितनी, चेक कर लेते हैं, ये 1.013 × 10³, तो 0.3 × 10³ एंड डिवाइडेड बाय 0.996।
तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिल जाता है 1.034 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।